हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,000 करोड़ जो है, लगभग 1,40,000 करोड़ है। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात कर रहा है, अब आप बात बताइए, जो मैट्रिक में पास नहीं किया 9वें तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या। मनीष कश्यप ना कभी बिका है और ना कभी बिकेगा, और एक बार जेल का ताला खुलने दो, मनीष कश्यप को बाहर आने दो और इलेक्शन करा दो बिहार में। ऐसा लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को इसलिए जेल में ठुसवा दिया, इसलिए मनीष कश्यप पर NSA लगवा दिया, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को बोला था, अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता जी और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा नहीं पाए, आप तो नौवीं फेल हैं, आप तो क्रिकेट फेल हैं, और आप चले हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनके बिहार को फेल कराने। मैं वादा करता हूं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तेजस्वी यादव जी, तो वादा करता हूं कि जेल से निकलने के 180 दिन बाद मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। यही बातें मनीष कश्यप ने बोली थी और यही बातें शायद तेजस्वी यादव के दिल में चुभ गई, और इसलिए मनीष कश्यप को जेल में ठुसवा दिया गया और NSA भी लगवा दिया गया, और आज 7 महीने तक उनको वह अंदर में ही, जेल के अंदर ही सराया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अगर ये बात सच है, अगर मनीष कश्यप ने 9वीं फेल बोल दिया तेजस्वी यादव को, इसलिए तेजस्वी यादव को बुरा लग गया और जेल करवा दिया मनीष कश्यप को, तो शुरू में मैंने एक वीडियो क्लिप आपको दिखाया जिसमें ललन सिंह को जान रहे ना, हाँ, हमारे जो नीतीश चाचा है, उनका जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ललन सिंह भी तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को कि 9वीं फेल रोजगार देने की बात कर रहा है, बताइए 9वीं फेल रोजगार कहां से देगा, उसको तो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं, क्या वो नौकरी कहां से देगा। तो अगर तेजस्वी यादव को बुरा लगा था मनीष कश्यप के 9वां फेल बोलने से, तो क्या तेजस्वी यादव अब ललन सिंह को जेल के अंदर करवा सकते हैं, क्या ललन सिंह पर NSA लगवा सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों का सवाल है, लोग पूछ रहे हैं यही सवाल कि जिस तरीके से मनीष कश्यप 9वीं फेल बोल दिया तेजस्वी यादव को, तो उनको बुरा लग गया। ऐसे सच्चा बात हमेशा करवा होता है नीम के पत्ता की तरह, तो अगर ये बुरा लगा अगर तेजस्वी यादव जी को, तो ललन सिंह भी तो बोले कि 9वीं फेल है, तो क्या ललन सिंह को तेजस्वी यादव जेल के अंदर ठुसवा सकते हैं, ये लोगों का सवाल है जो मैं बोल रहा हूं, नहीं, जवाब मैं देता हूं, नहीं, क्योंकि ललन सिंह जो है वो एक नेता है और नेताओं को बोलने की आजादी है, नेताओं को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है कि आप कोई बयानबाजी कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल बात यह है कि उनके पास पैसा का पावर है और कुछ नहीं। मनीष कश्यप के पास पैसा का पावर नहीं, उनके पास लोगों का पावर है, प्यार का पावर, लोगों के प्यार का पावर जो आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी सही में कितना पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। वीडियो क्लिप देखिए। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,000 करोड़ जो है, लगभग 1,40,000 करोड़ है, उसमें होने जा रहा है। वाह, 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ भाई, ये 1,40,000 करोड़ क्या होता है भाई, ये तो हमको समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया क्या 1,40,000 करोड़, नहीं, 40 करोड़ 1,00,000 हो सकता है, लेकिन 1,40,000 करोड़ कैसे होता है। दरअसल तेजस्वी यादव जी जो है 40,000 बोलने वाले थे, लेकिन उनको 40 करोड़ आ गया याद, अब पता नहीं कोई लिख दिया होगा 40 करोड़ तो गलती से देख के बोल दिए होंगे, या फिर मन में आया होगा कि 1,40,000 करोड़ है, और शायद इसी वजह से मनीष कश्यप हमेशा बोलते रहते हैं कि बिहार को अगर बदलना है तो जातिवाद छोड़ दीजिए, अपने आप बिहार बदल जाएगा। ऐसा लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जी को वोट जो है उनके जात से मिलता है, और उनको, लालू यादव को या उनकी पार्टी जो है जातिवाद से ही चलता है, ऐसा लोगों का कहना है, और बिहार की तो सारी पार्टियां जातिवाद से ही चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और मनीष कश्यप यही चाहते हैं कि बिहार से जातिवाद हटा दिया जाए। अब एक वो बहुत सुंदर कविता हमारे भैया जो है तेजस्वी यादव के इस बात पे बोले हैं, क्या बोले हैं जरा सुनिएगा हमारे साथ आप। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,000 करोड़ जो है, लगभग 1,40,000 करोड़ है, उसमें होने जा रहा है।
उसी स्कूल में ये भी पढ़ा है जहाँ पढ़ी इसकी माई है। उसी स्कूल में ये भी पढ़ा है जहाँ पढ़ी इसकी माई है। 1,40,00,00,000 उस स्कूल की पढ़ाई है। तेरा चरण किधर है, थोड़ा इधर लाओ तो छूना है। ऐसा नेता मिल गया ये बिहार की सौभाग्य है। ऐसा नेता मिल गया ये बिहार की सौभाग्य है। पाक साफ है बचपन से ये तनिक नहीं भी दाग है। 900 करोड़ की संपत्ति इसकी, 900 करोड़ की संपत्ति इसकी पसीना की कमाई है। 1,40,00,00,000 उस स्कूल की पढ़ाई है। तेरा चरण किधर है, थोड़ा इधर लाओ तो छूना है। माँ की छाप तो बेटी पर पड़ती, बेटा पर कैसे पड़ गया? माँ की छाप तो बेटी पर पड़ती, बेटा पर कैसे पड़ गया? अब ये कभी ना बदलेगा, ज्ञान इसका अकड़ गया। भाई इसका पंचर हो गया, भाई इसका पंचर हो गया, क्योंकि भाग गई भौजाई है। 1,40,00,00,000 उस स्कूल की पढ़ाई है। तेरा चरण किधर है, थोड़ा इधर लाओ तो छूना है। जाति का इसको वोट मिलता है, जात ही इसका साहिल है। जाति का इसको वोट मिलता है, जात ही इसका साहिल है। बिहार वासियों देख लो भाई, ये डीसीएम कितना जाहिल है। करोड़ बड़ा की लाख बड़ा, करोड़ बड़ा की लाख बड़ा, अभी इसको समझना आई है। 1,40,00,00,000 इस स्कूल की पढ़ाई है। तेरा चरण किधर है, थोड़ा इधर लाओ तो छूना है। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात कर रहा है। आप बात बताइए, जो मैट्रिक में पास नहीं किया, 9वें तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा? कौन कहता है अनपढ़ है ये? पढ़ा लिखा इंसान है। कौन कहता है अनपढ़ है ये? पढ़ा लिखा इंसान है। हिंदी इंग्लिश कमजोर है बेशक, विज्ञान का विद्वान है। आपको विश्वास नहीं होगा, चारपाई से कार बना दिया है। वीडियो देखिए। कोई अनपढ़ कहकर क्या करेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। कोई अनपढ़ कहकर क्या करेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बिहार को एक दिन देखिएगा, यही आदमी सुधारेगा। गगनयान जो जा रहा उसमें इसका योगदान है। हिंदी इंग्लिश कमजोर है बेशक, विज्ञान का विद्वान है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान में से कौन धातु है? रसायन शास्त्र से मास्टर है, बहुत कम लोग जानते हैं। रसायन शास्त्र से मास्टर है, बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूट्रिनो पॉजिट्रिनो का खोज किया था, लोग नहीं पहचानते हैं। राजनीति में बेशक आया, आविष्कार इसका काम है। हिंदी इंग्लिश कमजोर है बेशक, विज्ञान का विद्वान है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान में से कौन धातु है? राजनीति में लालू इसको जबरदस्ती लाए हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक को झूठ में नेता बनाए हैं। पर 10 लाख ये नौकरी देगा, अटल इसका फरमान है। हिंदी इंग्लिश कमजोर है बेशक, विज्ञान का विद्वान है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान में से कौन धातु है? भाषा से ही मालूम पड़ता किसकी कितनी पढ़ाई है।
भाषा से ही मालूम पड़ता किसकी कितनी पढ़ाई है। इसके शब्द को सुनिएगा, आसमान से अधिक ऊंचाई है। बिहार को कैसे जापान बनाए, बिहार को कैसे जापान बनाए, इसी पर इसका ध्यान है। हिंदी इंग्लिश कमजोर है बेशक, विज्ञान का विद्वान है। चलिए, कैसा लगा इस क्लिप के बारे में कमेंट में अपना राय विचार जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं दीपक दिल्ली वाले भैया को, जो मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ बोल गए, तो जरा वो क्लिप आप देख लीजिए। मनीष कश्यप ना कभी बिका है और ना कभी बिकेगा, और एक बार जेल का ताला खुलने दो, मनीष कश्यप को बाहर आने दो और इलेक्शन करा दो बिहार में, पता कौन जीतेगा। आपको मनीष कश्यप क्या बेनिफिट दे रहे हैं? मनीष कश्यप एक ऐसा उस माई का लाल है जो रिक्शे वाले को पूछता है के बाबा कुछ खाए हो नहीं खाए हो, कुछ पिए हो नहीं पिए हो, खाना खा लो, रोटी ले लो, बच्चे क्या करते हैं, वो मोबाइल गिफ्ट करता है। मैडम अगर वो कैमरे में दिखाता है ना, तो अच्छी चीजें दिखाने से लोग अच्छी चीज सीखते हैं। पैसा तो दुनिया कमा रही है, तो मनीष कश्यप ने ठेका लिया है क्या जरूरतमंदों की मदद करने का? जिस टाइम पे कोविड के दौरान पूरी दुनिया परेशान हो रही थी और भाई भाई का साथ नहीं दे रहा था, बहन बहन का साथ नहीं दे रही थी, उस टाइम पे मनीष कश्यप ने छत्तीसगढ़ बिहार सब लोगों को बोला। वाह, चलिए बस आज के लिए इतना ही था। जो जो अपडेट मिलते रहता है मैं आपको देते रहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वीडियो को प्यार देते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते फिर नए वीडियो के साथ कल। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे थे द सेस क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।